अपने इच्छाओं को जब आप कागज पर लिखते हो तब क्या होता है, ये जान के आप चौंक जाओगे। और ये दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और आपको ये जरूर जानना चाहिए। कुछ भी हो, इस वीडियो को बस एक बार पूरा देख लेना। ऐसी जादुई फैक्ट्स जानने मिलेगी कि सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप उसी गोल को, उसी इच्छा को पेपर पर लिखोगे जिसको लेकर आप सीरियस होंगे। दिमाग के अंदर तो आप बहुत सारे इच्छाओं, गोल्स और मकसद के बारे में सोचते हो, पर जिस इच्छा के लिए, जिस मकसद के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, आप उसी को राइट डाउन करोगे। मतलब जिसके लिए आप बहुत सीरियस हो, और जिस चीज के लिए आप सीरियस होगे उसी चीज को पाने के लिए आपको आपका दिमाग एनर्जी देगा। मतलब पेपर पर इच्छाओं को लिखने से आपका लॉजिकल दिमाग भी उसे सीरियस मानने लगता है, और इससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिससे आपको इतनी एनर्जी और मोटिवेशन अपने आप ही अंदर से मिलने लगती है कि आप अनजाने में ही उस गोल को पूरा कर लोगे। पर सबसे पहली बात, आपके अंदर एक गोल, एक मकसद होना जरूरी है। चाहे वो क्लास में टॉप करना हो, किसी एग्जाम को क्रैक करना हो, किसी जॉब को पाना हो या प्रमोशन पाना हो, आपको गोल रखना चाहिए। पेपर में लिखना तो बाद की बात है, पहले आप ये क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या, गोल के बारे में क्लियर रहो। नेपोलियन हिल, जो एक बहुत बड़े अमेरिकन ऑथर हैं, उन्होंने भी ये शेयर किया है कि जो लोग गोल सेटिंग करते हैं, यानी उन्हें क्या चाहिए इसके बारे में वो क्लियर रहते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, वो लोग ज्यादातर जो चाहते हैं वो अपनी जिंदगी में अचीव कर ही लेते हैं। और दूसरे साइड वो लोग जिनको जिंदगी में क्या करना है ये पता ही नहीं है, जो जस्ट कैजुअली जीते हैं, वो लोग जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। और भी कई सारे रिसर्च में ये पता चला है। अभी तक तो मैंने आपको ये बता दिया कि गोल रखो, हाँ ये जरूरी है, पर अब ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को सुनो कि आपको अपने गोल को पेपर में क्यों लिखना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट आपकी जिंदगी बदल देगा। डोमिनिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं। उन्होंने गोल को पेपर पर लिखने के ऊपर बहुत सारे रिसर्च को किया है। उनके एक्सपेरिमेंट में 267 लोगों को लिया गया था, जिसमें लड़का और लड़की दोनों को शामिल किया गया था, और हर तरह के लोगों को लिया गया था, स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, सबको लिया गया था। उन 267 लोगों को दो भागों में बांटा गया, एक वो जो अपने इच्छाओं को पेपर पर लिखते थे, और दूसरे वो जो अपने इच्छाओं को बस दिमाग में रखते थे। आधे लोगों को ये कहा गया कि तुम लोगों की जो इच्छा है उसे एक पेपर पर लिखना, और उस पेपर को हमेशा अपने डेस्क पर रखना, ताकि रोज कम से कम एक बार तुम्हारी नजर उस पर पड़े, ताकि तुम्हारे गोल्स तुम्हें हमेशा याद रहे। और जो दूसरे ग्रुप के लोग थे उन्हें कहा गया कि तुम सिर्फ दिमाग में ही अपने गोल्स को हमेशा याद रखना। तो एक्सपेरिमेंट के बाद ये रिजल्ट निकला कि जो लोग अपने इच्छाओं को पेपर पर लिखते थे वो लोग अपने ज्यादातर इच्छाओं को पूरा कर लिए, और वो भी बहुत कम समय में। और जो लोग नहीं लिखते थे उनमें से ज्यादातर लोग जैसे थे वैसे ही रह गए, और मात्र एक या दो गोल को ही पूरा कर पाए। फाइनल रिजल्ट ये निकला, वो भी पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूव्ड, कि आपकी 42% चांसेस बढ़ जाती है कि आप जो चाहते हो वो आप कर लोगे, अगर आपने उसे पेपर पर लिखना शुरू कर दिया तो। पर ऐसा क्यों होता है? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यानी वैज्ञानिक रीजन ये है कि जब आप किसी इच्छा, गोल या मकसद को अपने दिमाग में ही रखते हो, जैसे कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, या मुझे क्लास में टॉप करना है, या फिर मुझे ये जॉब पाना है, या मुझे एक लाइफ पार्टनर पाना है, तब इच्छाओं को सोचते समय तब आप अपने राइट ब्रेन यानी ब्रेन के दाएं हिस्से का इस्तेमाल करते हो। आपका दायां ब्रेन इमेजिनेटिव होता है, इसलिए जब आप अपने सपने के बारे में सोचते हो तब आपका राइट ब्रेन सक्रिय हो जाता है। पर बात यह है कि आप अपनी इच्छाओं को तभी पूरा कर पाओगे, आपको आपका दिमाग एनर्जी यानी ऊर्जा और मोटिवेशन तभी देगा जब आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करोगे। मतलब आपका दायां ब्रेन और बायां ब्रेन दोनों ऑन होगा तभी आपको फुल एनर्जी मिलेगी। पर हमने अभी क्या देखा? हमने अभी ये देखा कि जब आप अपने इच्छाओं के बारे में सोचते हो, विजुअलाइज करते हो, मन में ही रखते हो, तब आपका इमेजिनेटिव दायां ब्रेन यानी सिर्फ राइट ब्रेन ही ऑन होता है। लेफ्ट ब्रेन को कोई मतलब नहीं होता। पर
जब आप अपने इच्छाओं को लिखते हो पेपर पर, जैसे ही लिखते हो तब आपका लॉजिकल ब्रेन यानी लेफ्ट ब्रेन यानी दिमाग का दूसरा पार्ट भी एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने इच्छाओं और गोल्स को पेपर पर लिखोगे तब दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि ये सीरियस चीज है आपके लिए, तभी तो आप इसे पेपर पर लिख रहे हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑल इन ऑल बात ये है कि आप अपने इच्छाओं के बारे में सोचो तब राइट ब्रेन ऑन होगा और उसे कागज पर लिखो तब लेफ्ट ब्रेन ऑन होगा, और जब दोनों हेमिस्फीयर्स साथ मिलकर काम करेंगे तो आपको वो ऊर्जा और बुद्धि मिलेगी जो सामान्य लोगों को नहीं मिलती। उन लोगों को नहीं मिलती जो अपनी इच्छाओं को कागज पर नहीं लिखते। उनका ब्रेन उनकी इच्छाओं को सीरियस नहीं मानता और इसलिए उनका दिमाग उस रिक्वायर्ड एनर्जी ऊर्जा को प्रदान नहीं करता। सबसे मेन बात ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई गोल यानी मकसद नहीं होगा। जिंदगी जैसी चल रही है वैसे चलने दो, ये वाली थिंकिंग लेकर बहुत लोग जीते हैं, पर ऐसी थिंकिंग से कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो उन एक्सपेरिमेंट से आपको ये सीखना चाहिए कि गोल्स यानी अगले कुछ सालों में आपको क्या करना है, ये आपको तय किए रहना चाहिए। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है। पहले गोल्स तय करो, तभी ना उसे पेपर पर लिखोगे। ज्यादातर इंसान बिना गोल्स के चलते हैं, पर आपको भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, आपको अलग बनना है। बिना गोल्स ऐसी सोच वालों का दिमाग भी उनका साथ नहीं देता। दिमाग तेज करने के टिप्स में एक टिप ये भी थी कि जिंदगी में गोल यानी मकसद रखना, तभी आपका दिमाग आपको वो एनर्जी देगा जिससे आप अपने मकसद को पूरा कर पाओगे। पहली बात, मकसद रखो, इच्छा रखो, क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए। आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। और दूसरी बात, उसे कागज पर लिखो ताकि दिमाग का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर दोनों का इस्तेमाल हो। गोल्स को कागज पर लिखने से और एक फायदा ये है कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज यानी वो अवसर जिंदगी में दिखने लग जाएंगे जो आपको पहले नहीं दिखते थे, क्योंकि ये गोल आपके लिए सीरियस है और आप इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और आपका दिमाग भी इस बात को जानता है, इसलिए आप उन अवसरों को देख पाओगे जो आप सामान्य तौर पर नहीं देख पाते। अगर आप कैजुअली जीते तो हुआ नहीं तो छोड़ इस मेंटालिटी को रखते तो ये मेंटालिटी जहर के समान काम करती है, क्योंकि इसमें कुछ सीरियसनेस इन्वॉल्व नहीं होता। पर जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही आपकी गोल और इच्छा पेपर पर आएगी वैसे ही आपकी मोटिवेशन में ऐसा बूस्ट आएगा कि आप उसे पा कर ही दम लोगे। और एक जरूरी बात ये है कि आपके इच्छाएं और गोल्स दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म उसे कहते हैं जो आप सालों के अंतराल में पाना चाहते हो। जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे कुछ बनना है, पायलट, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, ये लॉन्ग टर्म है क्योंकि आप इसे सालों बाद प्राप्त करोगे। और दूसरे तरह का गोल होता है शॉर्ट टर्म, जैसे अगले महीने मुझे एग्जाम में 90% स्कोर करना है, ये है शॉर्ट टर्म गोल। तो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को एक अलग पेपर पर लिखो और शॉर्ट टर्म गोल को अलग पेपर पर लिखो। वेरी शॉर्ट टर्म को मतलब जो एक दिन का रूटीन होता है उसे आप डेली लिख सकते हो। रात को सोने से पहले कागज पर लिख दो कि कल सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले एक स्माइल के साथ उठोगे, फिर ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करोगे, मतलब इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को उन चीजों के लिए थैंक्स बोलोगे जिन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हो यानी थैंकफुल हो। उसके थोड़ी देर बाद स्ट्रेचिंग करोगे और दिन भर के जितने काम आप करना चाहते हो उसे पेपर पर लिख कर अपने डेस्क पर या कोई ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर पल पल आपकी नजर पड़ते रहे। इससे आप अपना डेली काम भी अच्छे से कर पाओगे। और रोज जो आप कागज पर लिखे हो, जब अगले रात को सोने से पहले आप ये देखोगे कि वाह, मैंने जो लिखा है वो पूरा किया, तो मन में एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगा और इसके चलते आप और एक्टिव, जिंदा और खुश महसूस करोगे। डेली के कामों को तो देख लिया आपने, पर लॉन्ग टर्म गोल यानी जिंदगी के बड़े मकसद भी उतनी ही जरूरी है। और अगले 5 साल में जो कुछ भी हासिल करने की इच्छा रखते हो सबको लिख दो। कागज पर अपने गोल्स को लिखो और देखते जाना कि आपके अंदर मोटिवेशन ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी। कागज पर अपने गोल्स को लिखो ये तो आज जान लिया आपने, पर और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने इच्छाओं को, अपने गोल्स को भूल कर भी किसी से मत बताना।
ज्यादातर लोगों का यही अनुभव रहा है कि जब वो अपने मकसद और आगे की प्लान के बारे में किसी को बताते हैं तब वो उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। और जब आपने किसी को बोल दिया पहले से कि आप ये काम करने जा रहे हो और आगे जाकर जब आप किसी कारण के चलते उस काम को कर नहीं पाते तो एक डिप्रेसिंग फीलिंग आती है। जब आप अपने दोस्त या किसी भी फैमिली रिलेटिव से बात करते हो और कोई पूछता है कि बेटा आगे का प्लान क्या है, तब आप फ्लो में ही बोल देते हो कि ये है मेरा प्लान। आपके मन में आ रहा होगा कि अगर मैं अपने गोल्स के बारे में दूसरों को बोलूंगा तो एक तरह से ये अच्छी चीज ही हुई ना, इससे मुझे और इनकरेजमेंट और प्रोत्साहन मिलेगी, मैंने तो बताकर एक पब्लिक कमिटमेंट किया, इसका मतलब मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो कि अपने गोल्स के बारे में किसी को मत बताओ? दोस्त, जैसा आप सोच रहे हो वैसी आपकी थिंकिंग काम नहीं करती। आपके फ्रेंड्स आपको भले ही कॉन्ग्रेचुलेट करे कि वाह तुमने तो बढ़िया गोल सेट किया है, तुमने तो अच्छा गोल सेट किया है, अच्छा काम कर रहे हो, पर 100 में से 95 गोल्स को आप पूरा नहीं कर पाओगे अगर आपने पब्लिक में बता दिया तो। आप कहोगे पर कैसे, इसके ऊपर भी बहुत सारे स्टडीज की गई है, पर प्रोफेसर पीटर की स्टडी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 163 लोगों को लिया गया, उसके बाद उनमें से आधे लोगों को ये कहा गया कि तुम अपने गोल्स को दूसरों को बता सकते हो और बाकी आधे लोगों को अपने गोल्स को अपने मन में ही रखने को कहा गया। शुरू में जिन लोगों ने अपने मकसद के बारे में लोगों को खुल के बताया उन लोगों ने ये कहा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। उसके बाद उन सारे लोगों को एक 45 मिनट का काम दिया गया जो कि उनको उनके गोल्स के करीब ले जाएगा। उन्हें ये कहा गया कि 45 मिनट तक तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाएगा। जैसे अगर तुम्हारा गोल टॉप करना है तो 45 मिनट तक पढ़ो, अगर अगले हफ्ते सिंगिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना है तो गाना गाने को प्रैक्टिस करो 45 मिनट तक। सबको एक रूम दे दिया गया कि तुम इसमें अपना काम 45 मिनट तक कर सकते हो और सभी लोगों को ये कहा गया कि वो बीच में कभी भी रुक सकते हैं, जब उन्हें मन करे वो काम छोड़ सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि जो लोग अपने गोल के बारे में धिंधोड़ा नहीं पीटते थे वो लोग पूरे 45 मिनट तक अपने काम को कर पाए, पर जिन लोगों को पब्लिक में अपने गोल सबको बताने की आदत थी वो सिर्फ 33 मिनट के बाद ही काम को छोड़ दिए। साइंस ये कहती है कि जब आप अपने इच्छाओं मकसद और गोल सबको बताते हो तब आपके दिमाग में एक फेक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है, आपके दिमाग को ऐसा लगने लगता है जैसे आपने उस गोल को पूरा कर लिया। पब्लिक जो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, आप अपने गोल्स के बारे में बातचीत करते हो, उससे आपके ब्रेन में डोपामिन केमिकल निकलता है और आपके दिमाग को ये लगने लगता है कि आप उस गोल को पूरा करने के लिए स्टेप ले चुके हो, पर एक्चुअल में आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दोस्तों को बताया ही तो है। तो ऐसे आपका दिमाग काम करता है और इसलिए आपको अपने गोल्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो पहली बात गोल सेट करो, दूसरी बात उसे डायरी में लिखो बस खुद के मोटिवेशन के लिए, और तीसरी बात अपने गोल्स के बारे में किसी को मत बताओ। यही तीनों कामों से आप अपने सपनों के और पास पहुंच जाओगे और अंत में उस सपने को पूरा कर लोगे, उसे पा लोगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।